हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। यानी कि नीचे कुछ रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक केस में डिसाइड कर आप बताइए कि ये रेशनल्स है या नहीं। यदि रेशनल है तो और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो बताइए कि उसके आप डिनोमेटर क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। डिनोमेटर जो यानी कि अगर ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस हैं तो उस जो जो रेशनल नंबर और पी बाई क्यू होंगे उस क्यू के डिनोमेटर क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 43.12345678 9। यानी कि ये डेसिमल के बाद 9 डिजिट के बाद डेसिमल के 9 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो रही है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मींस ये रेशनल नंबर है। चूंकि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, तो चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है सो क्या है, हेंस इट इज रेशनल नंबर। अब यदि रेशनल नंबर है यानी ये पी बाई क्यू का फॉर्म होगा तो उसके डिनोमिनेटर क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम लोग को बताना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका जो जो डिनोमिनेटर क्यू है उसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। तो क्या होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n होगा, यानी जो डिनोमिनेटर Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। यानी हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कह सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर Q इज either only 2 or only 5 or only 2 and 5 both। यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है चूंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर जो है 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा चूंकि टर्मिनेटिंग है इसलिए। और यानी अगर इस फॉर्म में होगा यानी कि उसका प्राइम फैक्टर्स जो q का होगा वो क्या हो सकता है, या तो केवल 2 हो सकता है, या तो केवल 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकता है, यानी केवल 2 हो सकता है या केवल 5 हो सकता है या 2 एंड 5 बोथ हो सकता है। इसके अलावा और कुछ 2 और 5 के अलावा इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, कि यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज आइदर ओनली 2 और ओनली 5 और ओनली 2 एंड 5 बोथ ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.12012001200120120 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, ये हम देख सकते हैं कि ये एंड सो ऑन है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीटिंग है? रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 120 है तो यहाँ 12000 है तो यहाँ पे 12000 है तो यहाँ पे 12400 है, यानी रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अब तो ये किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ये दोनों है, तो ये इट मींस कि ये रेशनल नंबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 43.12345678569 रेकरिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है 43.12345678 रेकरिंग, यानी ये जो डेसिमल के बाद ये जो डिजिट्स हैं 1 to 9 ये लगातार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये क्या है, जो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इट मींस कि ये रेशनल नंबर है, सो इट इज रेशनल नंबर, बट प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी ऑफ Q इज नॉट विल नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसलिए क्या होगा, ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होगा, इट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ q ऑफ डिनोमिनेटर q इज अदर देन आर अदर देन 2 and 5 और and other numbers with other primes with 2 and 5, यानी चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है सो ये जो रेशनल नंबर होगी और ये जो रेशनल नंबर होगी उसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होगा, चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है इसलिए, और यहाँ जो डिनोमिनेटर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म को नहीं फॉलो करेगा, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के अलावे कोई और प्राइम्स होंगे, या 2 and 5 भी यदि उसमें शामिल होंगे तो उसके अलावे भी 2 and 5 के साथ दूसरे नंबर प्राइम्स आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़े और मैं अपना बेस्ट रिपोर्ट दे पाऊँ। धन्यवाद।